सीमा की अंतिम छोर पर लड़ते हुए शहीद हुए हम सभी मर्माहत है यहाँ थे, चूँकि हमारे तो क्षेत्र के रोहतास जिला के ही एक जवान हैं और जहाँ का मैं प्रभारी हूँ वहाँ का एक है, तो हम लोग बहुत आहत हैं। उनके परिवार के प्रति हम लोगों का संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान हो। आज के दिन में एक तरफ हम लोग गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि हमारा जवान इस देश की अंतिम छोर पर सरहदों पर लड़ते लड़ते मरा है, दूसरी तरफ ये भी हम लोग आहत हैं कि हमारे बीच से हमारा एक जंबाज चला गया, तो हम सब मर्माहत भी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो 12 मिलिट्री फोर्सेस के सीआरपीएफ के और बारामूला में करते हैं, पूरा देश जो है, पूरा बिहार इनके परिजनों के साथ खड़े हैं। जो बहादुरी का काम किया है, देश के लिए जान दी है, ये हम लोग इनकी शहादत को भूल नहीं सकते। हम लोग लगातार शुरू दिन से कहते रहे हैं कि जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अभी तक केवल सेना के जवानों को ही शहीद का दर्जा जो है मिलना करता है, लेकिन जितने भी सीआरपीएफ है, आईटीबीटी फोर्स है, ये जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे कश्मीर में हमारे जो जवान शहीद होते हैं या मुठभेड़ में नक्सलियों द्वारा जो शहीद होते हैं, उन जवानों को, उन मिलिट्री फोर्सेस को शहीद का दर्जा नहीं है। हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि हर एक संभव मदद जो है शहीद के परिजनों को वो दें। ख़ास तौर पे अगर रोज़गार की भी बात आती है, आर्थिक रूप से भी मदद हम लोगों को उन सभी शहीद के परिवार के लोगों को करना चाहिए, तो ज़्यादा कुछ इस पे नहीं। पर निश्चित तौर पर जो सेना के जवान सीमाओं पर जो लगे हैं, सीमा की सुरक्षा में लगे हैं, और आए दिन पड़ोसी देश का मामला हो या मान लिया आतंकी घटना में सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, हम भी चाहेंगे उनको सरकार के स्तर पर हर तरह का सम्मान दिया ही जा रहा है जाकर के है। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से सेना के जवान आए दिन हमलों में वह मतलब सरहद पर शहीद होते हैं, उनको जो दर्जा प्राप्त हो रहा है जाकर के है, हम चाहेंगे हमारे सेना के जवान जो भी अपने देश की सेवा में लगे हुए हैं, आतंकी हमले हमारे जा रहे हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए।